तो इन दिनों बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां, दोनों जो हैं 9 दिसंबर को मिस्टर एंड मिसेस बन जाएंगे। मैं आपको बता दें कि दोनों राजस्थान पहुंच चुके हैं अपनी शादी के लिए। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर में सिक्स सेंस फोर्ट में ये स्टार कपल की शादी होने वाली है। हालांकि दोनों की शादी की खबरों के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कटरीना और विकी की प्रेम कहानी शुरू कब और कैसे हुई। तो आइए ये दास्तां हम आपको बताते हैं। तो विकी और कटरीना लगभग 2 सालों से अब डेट कर रहे हैं। तो इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब कटरीना कैफ करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण सीजन 6 में दिखाई दी थी और कहा कि वे विकी कौशल के साथ काम करना चाहती हैं क्योंकि वो एक साथ अच्छे दिखेंगे। वहीं जब विकी कौशल शो में आए और उन्हें शो के होस्ट करण जौहर से कैट की इस तारीफ के बारे में पता चला तो उन्होंने बेहोश होने का नाटक किया और स्वीकार किया कि उन्हें कटरीना पर क्रश है। फिर क्या, जनवरी 2019 में कटरीना कैफ ने विकी कौशल की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया जिसने सबसे पहले उनकी डेटिंग की अफवाहों को हवा दी। वहीं मार्च में विकी ने एक अवार्ड शो के दौरान मजाक में कटरीना को मुझसे शादी करोगी कहकर प्रपोज भी कर दिया। तो ये मौका था जी सिने अवार्ड्स का। उसी साल कटरीना और विकी कौशल को एक दिवाली पार्टी में भी साथ स्पॉट किया गया। वहीं अगले साल दोनों ने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के साथ होली मनाई। फिर क्या, इस जोड़ी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। वहीं इसी साल यानी 2021 में कटरीना कैफ और विकी कौशल परिवार के करीबी दोस्तों के साथ जो है नजर आए। वहीं इन दोनों ने अपने सीक्रेट गेटवे से अलग अलग तस्वीरें जो है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी। हालांकि इन दोनों ने कभी भी अपनी रिलेशनशिप को जो है वो पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब इन दोनों की जोड़ी पर मोहर लग चुकी है क्योंकि इन दोनों की शादी जो है वो 9 दिसंबर को हो जाएगी। तो कुछ ऐसे मिले विकी और कटरीना। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितना जोश है आपके अंदर इन दोनों की शादी को लेकर, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वहीं ऐसे और विकी और कटरीना कैफ की लाइव अपडेट्स के लिए आप india.com और बॉलीवुड लाइफ को देखते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।